उधर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले ही टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में तेलंगाना के वारंगल में पार्टी के एक नेता मजदूरों को शराब और चिकन बांटते नजर आए, जिसके लिए वारंगल में भीड़ उमड़ पड़ी। वहां से आए एक वीडियो में टीआरएस के एक नेता राजनला श्रीहरी मजदूरों को शराब की बोतलें और जिंदा मुर्गे बांटते दिखे। असल में केसीआर विजयदशमी के मौके पर अपनी पार्टी के आम चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं, यानी उनकी पार्टी टीआरएस अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने वाली है, जिसका जश्न मनाने के लिए उनकी पार्टी के नेता ने केसीआर के बड़े बड़े कटआउट लगा दिए। इसके बाद एक एक कर कतार में खड़े मजदूर आगे आते गए और वो उन्हें एक शराब की बोतल और एक जिंदा मुर्गा पकड़ाते गए।